रखा गया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में खेतों में लगने वाली आग का कहर किसानों पर लगातार बढ़ रहा है। पूरे जिले में कई जगहों पर लगी आग ने किसानों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा कर दिया है। प्रशासन किसानों को जागरूक कर आग की घटनाओं से बचाने की कोशिश कर रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आग से हुए फसल नुकसान को कम करने के लिए किसानों को कई सलाहें दी हैं। उन्होंने नुकसान का सर्वे कराकर शासन से मुआवजे का भरोसा भी दिलाया है। देखिए, एक तो गर्मी बहुत है, धूप तेज़ है और कई स्तरों पर लापरवाही हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं बच्चे खेलते हुए माचिस का और इस तरह की ज्वलनशील चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं कोई ऐसी बुझी हुई राख समझ करके खेतों में लोग फेंक दे रहे हैं, उसमें थोड़ी भी आग रह रही है तो उसके कारण से, चूँकि फसल पकी हुई है, जल्दी से आसानी से आग लग जाती है, हवा भी तेज चल रही है। और जहाँ कहीं दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सबको, सभी अधिकारियों को निर्देश है, तुरंत वहाँ तहसील के अधिकारी, SDM, तहसीलदार, कानून को लेखपाल पहुँच रहे हैं, वो उसका सर्वे कर रहे हैं, किस किसान के कितने खेत में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ, उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। और मंडी को ये निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, हम लोग भी स्थानीय स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट मंडी में पहुंच रही है तुरंत किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति मिल रही है। जबलपुर में